स्टूडेंट्स, आज हम ब्रिक मेकिंग कंसर्न का एक यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। जहां पर ब्रिक मेकिंग का काम होता है, वहां पर कॉस्ट शीट कैसे प्रिपेयर होती है, पर ब्रिक जो कॉस्ट है वो कैसे निकाली जाती है, वो यहां पर देखिए। इसको कैसे जो है हम शो करते हैं अकाउंट्स में, कैसे निकालते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर ए मंथली कॉस्ट शीट ऑफ द सैंड लाइम ब्रिक वर्क्स शोइंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर एम ब्रिक्स। देखिए, यहाँ पर इन्होंने आपको जो है कुछ नोटिस किया है कि यहाँ पर जो है 1000 ब्रिक को आपको 1 M के इक्वल जो है मानना है, क्योंकि देखिए जो ब्रिक मेकिंग कंसर्न होती हैं वो ब्रिक जो हैं वो पर 1000 के हिसाब से जो है सेल करती हैं, तो उनकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर 1000 के हिसाब से निकाली जाती है। तो यहाँ पर हम पर 1000 को 1 M से इंडिकेट करेंगे। इसके बाद देखिए, इसमें एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। एक्सपेंसेस सेम वैसे ही मिलते हैं हमें इसमें, जैसे कि हमने और कॉस्ट शीट वाले क्वेश्चंस में किए हैं, और दूसरे मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न जो होती हैं बिल्कुल बनाती हैं, वैसे बिल्कुल ऐसे ही इसकी भी बनती है। बस जो डिफरेंस है वो यही है कि यहाँ जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो पर 1000 के हिसाब से जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पर आपको जो ब्रिक मेकिंग में काम आने वाला लाइम है, कॉयल है, सैंड है, ठीक है, स्टोर्स हैं ये दे रखे हैं, फिर लेबर बता रखी है कितनी लगी है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ऑफिस ओवरहेड है, ब्रिक सोल्ड बता रखी है, और इसके बाद ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है ब्रिक का, जो इनके पास ओपनिंग और लास्ट में क्लोजिंग में होगा। तो इससे हमें क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला जो इसमें जो है क्वेश्चन करते टाइम पर हमें जो रिक्वायरमेंट होती है इन्फॉर्मेशन, वो होती है प्रोडक्शन की, क्योंकि यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, ठीक है, और हमें यहाँ पर मार्केट में जो उन्होंने ब्रिक सोल्ड करी हैं वो भी बता रखी हैं। तो यहाँ पर हमें जो है ये पता करना है सबसे पहले कि जो प्रोडक्शन है वो कितना हुआ है, क्योंकि जो डिवाइडेशन है पर यूनिट जो हम निकालेंगे, पर 1000 हम जो कॉस्ट निकालेंगे वो प्रोडक्शन से निकालते हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो ये प्रोड्यूस प्रोडक्शन है ये हमें जो है सबसे पहले मालूम होना चाहिए। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। उसने कहा है कि इन द एंड ऑफ मंथ जो उनके पास क्लोजिंग स्टॉक था, प्रोडक्शन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ होता है, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सोल्ड यूनिट, क्लोजिंग स्टॉक प्लस सोल्ड यूनिट माइनस ओपनिंग स्टॉक, हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं प्रोडक्शन निकालने के लिए। तो उसी तरह से देखिए, क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में अवेलेबल था 600 एम, उसके बाद जो ब्रिक इन्होंने इन द मंथ सोल्ड करी है वो है 3500 एम, टोटल ये आ गई है 4100 एम। इसमें से जो ओपनिंग था स्टार्टिंग में 100 एम का, वो हमने लेस कर दिया, तो इट मींस यहाँ पर इस महीने इन्होंने 4000 एम, यानी 4000 की अगर हम 1000 में मल्टीप्लाई कर दें तो इसका मतलब यहाँ पर इन्होंने 40 लाख जो ब्रिक्स हैं वो मैन्युफैक्चर्ड की थी इस महीने में। तो ये हमारा प्रोडक्शन आ गया है 4000 एम। तो यहाँ पर जो डिवाइडेशन होगा वो 4000 एम से हम करेंगे, ताकि हमें कॉस्ट पता चलती रहे। अब इसके बाद देखिए, स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हम लेंगे इसमें लाइम दिया हुआ है 895 टन्स एट द रेट ऑफ 50 रुपीज़ पर टन। तो इस हिसाब से ये कैलकुलेट करके जो है 44,750 आ रहा है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कोयल 820 टन्स दिया हुआ है एट द रेट ऑफ 30 रुपीज़ पर टन। इसी तरह से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया है। फिर इसके बाद सैंड है 1.50 पर एम ब्रिक मेड। अब पर एम ब्रिक मेड जो है ये 1.50 है, तो हमारा जो यहाँ पर ब्रिक मेकिंग हुआ है वो 4000 एम का हुआ है, क्योंकि सैंड का रेट जो है पर एम दिया हुआ है, तो 4000 इंटू 1.5 कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये 6000 आ जाएगा।
इसके बाद स्टोर्स स्टोर्स उसने आपको ही दिए हुए हैं खुद ही 14650 के टोटल। इनका हम कर लेंगे तो टोटल जो हमने मटेरियल लगा है वो 90,000 का यहाँ पर लगा है। यहाँ पर यूनिट का कॉलम पहले दे दिया है, अमाउंट का बाद में दे दिया है, उससे कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। आप इसको कैसे भी कर सकते हैं मेंटेन, अमाउंट पहले बना सकते हैं, ब्रिक का पर एम जो है ब्रिक वाला जो कॉलम है वो आप इसको बाद में ही बना सकते हैं। इसके बाद अब आती है लेबर। लेबर इसने कहा है सैंड डिगिंग एंड रनिंग जो है 10,000 है और ब्रिक मेकिंग की जो लेबर है वो 40,000 है, तो टोटल ये आ जाता है 50,000। तो इस तरह से लेबर और मटेरियल जो हमने लगाया है ब्रिक मेकिंग में उनकी टोटल कॉस्ट यानी प्राइम कॉस्ट आ गया है, ए हेडिंग आ गया है 1,40,000 का। इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग लेंगे। नेक्स्ट हेडिंग होता है फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड इसने कहा है 25% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस, डायरेक्ट चार्जेस का 25% लेना है। तो देखिए डायरेक्ट चार्जेस और डायरेक्ट कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट एक ही चीज़ होती है, तो ये इन्होंने 140,000 दिया हुआ है। तो 140,000 का 25% ये हम यहाँ पर ले लेंगे, तो ये आ जाता है 35,000। इसको जोड़ने के बाद ये आ जाएगी वर्क कॉस्ट 175,000। अब ये वर्क कॉस्ट आ गई है 175,000। अब इसके बाद ऑफिस ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड लेने हैं। ऑफिस ओवरहेड जो है वो है 10% ऑफ डायरेक्ट चार्जेस, यानी जो डायरेक्ट कॉस्ट है उसका 10% लेने हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट हमारी जो आ रही है वो है 140,000, 140,000 का 10% ये आ जाता है 14,000। तो ये इसमें हमने ऐड कर दिया तो ये आ गया है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इसकी आई है 189,000। अब इसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग जो लेते हैं वो है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, वो जोड़ते हैं और माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। स्टूडेंट्स जब ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 189,000 का, इसके बाद हम आगे करेंगे। ये देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आप अपने देखिएगा 189,000 का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया है। ये 4,000 m ईंटों को यानी ब्रिक्स को बनाने का आया है, तो पर m जो कॉस्ट हमें पड़ी है वो 47.25 पर m पड़ी है यहाँ पर कॉस्ट। ये हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स जो कि हमारे पास अवेलेबल था स्टार्टिंग में 100 m का। अब देखिए इसकी कॉस्ट नहीं दे रखी है, ठीक है, तो इसकी कॉस्ट हम यहाँ से लेंगे। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी आई है 4,000 m बनाने की, वही कॉस्ट जो है यहाँ पर वही जो है पर 1,000 m जो कॉस्ट है वो यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक की ली जाएगी। तो 100 × 47.25 ये मल्टीप्लाई करके ये आ गया 4,725 रुपीज़। अब ये हमारे पास 4,100 m की जो कॉस्ट है वो आ गई है 193,725। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ब्रिक्स जो है वो था 600 m। इसकी जो कॉस्ट है वो भी नहीं आपको क्वेश्चन में कहीं गिवन है, तो इसके लिए भी आप यही वाली जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वही यहाँ पर लेंगे 600 × 47.25 और ये आ जाती है 28,350। ये यहाँ पर माइनस हो जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक है ये ब्रिक्स का, ये हमने नहीं सेल किया है। तो जो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आएगी वो 3,500 m की आएगी जो कि हमने सेल करी है। 3,500 m जो ईंटें हैं वो हमने यहाँ पर गुड्स जो है वो सेल करा है। उसकी जो टोटल कॉस्ट पड़ी है वो है 165,375 रुपीज़। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन में आपको जो है इसने ब्रिक सोल्ड बता रखी है कि 55 रुपीज़ पर m के हिसाब से सोल्ड हुई हैं। तो 3,500 m ईंटें बेची हैं और 55 रुपीज़ पर m का जो है रेट था, तो इस तरह से 192,500 जो है वो इसकी टोटल जो है सेल्स वैल्यू आ गई है। और इसमें से हमने जब ये कॉस्ट लेस करी है तो हमारा जो प्रॉफिट आया है वो 27,125 रुपीज़ जो है इस उसका क्वेश्चन का आया है, यानी इतना प्रॉफिट जो हुआ है। अब इसके बाद अगर हमें प्रॉफिट जो है
पर एम हमें अगर मालूम करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल गुड्स सेल सोल्ड। तो टोटल गुड्स सोल्ड हमारा यहाँ पर था 3500 M का, और ये टोटल प्रॉफिट हुआ था 3500 M को सेल करने पर 27,125 का। तो इसको डिवाइड करके ये आ रहा है 7.75 पर 1000 M। तो ये जो है प्रॉफिट है जो इन 3500 M यूनिट्स को या ब्रिक्स को हमें बेचने पर हुआ है पर 1000 M। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है लगभग पूरा वैसे ही है जैसे यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग की हमने बाकी सब क्वेश्चन किए हैं, सब वही सीक्वेंस वही रहेगा, पैटर्न वही रहेगा। बस यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग होगी वो पर 1000 होगी,